20th अक्टूबर ये लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन हुआ है साउथ ईस्ट एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में। 22nd अक्टूबर का आसपास ये डिप्रेशन में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में। इसका मूवमेंट हमारा 22nd मॉर्निंग तक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा इनिशियली, उसका बाद ग्रेजुअली रिकवर होने का चांसेस है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वर्ड टूवर्ड्स बांग्लादेश कोस्ट। अभी इसका प्रभाव में हमारा मेन वार्निंग जो है अभी फिशरमैन के लिए है। फिशरमैन को 22nd से डीप सी एरिया में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल का डीप सी एरिया में जाने के लिए मना है। 23rd से वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एरिया में जाने के लिए मना है। और हमारा अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट का में 24th अक्टूबर से जाने के लिए मना है। तो फिशरमैन अभी जो डीप सी एरिया में है उनको 22nd तक कोस्ट में वापस आने के लिए कहा गया है। और इसका प्रभाव में हमारा बारिश का जो फोरकास्ट है अभी अगला 3 दिन में तो बारिश ड्राई रहेगा सभी जगह में, उड़ीसा में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। फिर 23rd में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश और एडजॉइनिंग इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट जैसा केउनझार मयूरभंज जंगुल धेनकेनाल कंधमाल रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी इसमें एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। रेस्ट वेस्टर्न विशाखा डिस्ट्रिक्ट में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है 23rd में। 24th में जो है 24th और 25th में भी हमारा कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश का पॉसिबिलिटी है। एडजॉइनिंग इंटीरियर का कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में बारिश हो सकता है। मेनली कोस्टल विशाखा ही बारिश का प्रभाव रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में जो है भुवनेश्वर सिटी में अभी अगला 3 दिनों में तो ड्राई रहेगा। भुवनेश्वर सिटी में भी 23rd से 25th का अक्टूबर का बीच में बारिश का पॉसिबिलिटी है।